स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया है, जिसके कारण उनके पैर में चोट आई। इस घटना को उन्होंने साजिश का हिस्सा बताया। आपको बता दें कि ये घटना रेयापारा में एक मंदिर के बाहर हुई है। वहीं इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को 2 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है तो उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है, जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, मामले की सीबीआई जांच को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन पर हमला हुआ है वो अगर लिख कर देंगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो फिर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार उसको देखेगी। बता दें कि बुधवार शाम नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची सीएम ममता बनर्जी के साथ हादसा हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। अब देखिए, ममता बनर्जी पर हमला हुआ है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। विपक्ष तो कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है तो जिन पर हमला हुआ है वो अगर लिख कर देंगे कि प्रणव सर मिल लेना जिला मुख्य कल का सवेरे क्या दस्तखत करो। राज्य में बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नदियों पर बने सभी पुलों के आसपास से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यह फैसला पुलों की नींव को हो रहे नुकसान की सूचना मिलने के बाद लिया गया है। सरकार ने नदियों पर बनाए गए पुल या निर्माणाधीन पुलों के आसपास बालू के खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। बेतिया जिले के साठी थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य मोती दास ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पीड़ित व्यक्ति केदार राउत ने बताया कि सेविका सहायिका बहाली को लेकर आम सभा चल रहा था। इसी दौरान सेविका के पति गलत तरीके से मैपिंग करा बहाली करवाना चाह रहे थे, जिसका विरोध करने पर वार्ड सदस्य ने उनकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान पुलिस भी तमाशाबीन नजर आई। बहाली बोलो तो हम तो हर भाई बोल रहे, हमारे भाई जो मार रहे हो देखे जाते रहो तो मूती पकड़ ले लो हन पसरा में जाकर मार दिल कपार फाट गए हम माओता निहार भाई में से तो सूतल बड़न दुआर को पुलिस वहाँ नहीं थी। पुलिस से रलो हन कि ना रलो हन कुछ नहीं की जाना स्कूल में वार्ड 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 दुआर को निकाल दो। जहाँ आम सभा हो रहा था उससे बाहर वार्ड के द्वार पर घेर कर मारा गया। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने 24 वर्षीय बैंक कर्मी विवेक कुमार को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक से लौट रहे थे, इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली है कि चांदनी चौक पुल के ऊपर एक व्यक्ति थे जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था, तो उनको गोली मारा गया है और वो अभी माँ जानकी में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है और घटना की आगे की जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी इसको। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रात के समय सिमरी बख्तियारपुर NH-107 रानीहाट के नजदीक एक गाड़ी निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी में एक ही परिवार के 8-10 लोग सवार थे।
जिसके बाद पूरी रात गाड़ी गड्ढे में फंसी रही। हालांकि गनीमत यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि एनएच के पास ही एक पुल का निर्माण हो रहा था, जिसके चलते आए दिन लोगों को ऐसे हादसे का शिकार होना पड़ता है। देखिए, ये रानी बाग के नहर एनएच 107 पे ये काम पुल का निर्माण चल रहा है। दुर्भाग्य है कि यहाँ जो प्रशासन आती जाती रहती है, उनके ऊपर उनका नज़र नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं होगा तो आए दिन जिस तरह से ये भी स्कॉर्पियो आपके सामने में ये फंसी हुई है, इसी तरह से कई बड़े। धनबाद में अतिक्रमण हटाने गई जिला और पुलिस प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आमा घाट के सुगियाडीह में सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अतिक्रमणकारी वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। जब प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद ADM और पुलिस अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इस पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। बाद में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन सवाल सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे का नहीं, बल्कि यह जिला के निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमीन की जाली दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कैसे हो गई, किस तरह से जमीन की बंदोबस्ती और रसीद काटा जा रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जिला प्रशासन को भी देने की जरूरत है। देखिए, धनबाद में अतिक्रमण हटाने गई जिला और पुलिस प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं। बाद में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन सवाल सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे का नहीं, बल्कि यह जिला के निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमीन की जाली दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कैसे हो गई, किस तरह से जमीन की बंदोबस्ती और रसीद काटी जा रही थी। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जिला प्रशासन को भी देने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि यह घटना आमा घाट के सुगियाडीह में सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अतिक्रमणकारी वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। जब प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैसे पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच में झड़प हो रही है। आपको बता दें कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहां पर मौजूद ADM और पुलिस अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इस पथराव में कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं और कई अतिक्रमणकारी भी घायल हुए हैं। लाठी चार्ज हो चुका है, आप देख सकते हैं। नालंदा में बीते 7 मार्च को दीपनगर थाना इलाके के कुंडलपुर में हुए सलाव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के पति चितरंजन सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे भोसू भाई यादव समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोसू के ऊपर पहले से ही डकैती समेत कई मामलों के दर्जनों मामले दर्ज हैं। नालंदा के SP ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से
मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था। बीते 7 मार्च को एक युवती के कहने पर मृतक बिहार शरीफ आया था। बिहार शरीफ से घर लौटने के दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें कि नालंदा में बीते 7 मार्च को दीपनगर थाने इलाके में चितरंजन सिंह की हत्या कर दी गई थी, जहां इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे भोसू भाई यादव समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भोसू के ऊपर पहले से ही डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। नालंदा के SP ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था। इस